एवरीवन, वेलकम बैक टू सारिका कुमार रेसिपीज चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी पनीर मक्खनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फिर बनाते हैं। इसके लिए मैंने 6 टमाटर लिए हैं जिसको कि रफली चॉप कर लिया था, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन लिया है, एक अनियन लिया है जिसको कि स्लाइस कर लिया है, दो हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने लिए हैं, 3 छोटी हरी इलायची ली है, 3 से 4 लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची और साथ ही लेंगे 1 तेज पत्ता। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब डाल देंगे। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सारे जो सूखे मसाले हैं सब हम इसमें एक साथ डाल देंगे। कोई हमें इसको कुक नहीं करना है, सब चीज़ों को इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है। और इसको डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 ग्लास के लगभग पानी, और पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च लगभग 1 छोटी चम्मच। देगी मिर्च डालने से जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है ग्रेवी का। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर पकाएंगे। लगभग आधा घंटा हमने इसको ढककर पकाना है, और इसमें एक बड़ा चम्मच हम मक्खन का भी डाल देंगे। और आधा घंटा लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करने के बाद जो टमाटर है वो एकदम अच्छे से गल गए हैं, देखिए पानी भी कम हो गया है। अब इसमें से तेज पत्ता, दालचीनी और मोटी इलायची को हम बाहर निकाल देंगे, और इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसको हमने मिक्सी में चर्न करना है, और देखिए एकदम से सारा मिक्सचर नहीं डालेंगे, आधा आधा कर हम इसको चर्न करेंगे। और चर्न करने के बाद इसको छानना बहुत ज़रूरी है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसको छानना, क्योंकि हमारी जो मक्खनी ग्रेवी है वो तभी मिलेगी जब एकदम स्मूथ जो है वो ग्रेवी होनी चाहिए। तो अच्छे से इसको छान लेंगे। और देखिए अब मैं इसमें 5 काजू डाल रही हूँ। आप चाहें तो पहले बॉईल करते वक्त भी डाल सकते हैं, काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, काजू की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, आप 8 से 10 काजू भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से इसको चर्न करने के बाद भी इसको छान लेंगे। और देखिए अच्छे से छानने के बाद हमें एकदम स्मूथ ग्रेवी हमारी मिल जाएगी। देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ ग्रेवी आप देख सकते हैं, एकदम स्मूथ ग्रेवी रेडी है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें लगभग 50 ग्राम के लगभग मक्खन डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें अदरक डालेंगे बारीक कटी हुई, और एक हरी मिर्च को इस तरह से स्लिट करके डाला है मैंने। अब इसमें डालेंगे, इसको हल्का सा कुक करेंगे, और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च डालने से ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और जो तीखी भी नहीं होती है। अब इसमें पनीर के सारे पीसेस डाल देंगे। मैंने 250 ग्राम ये पनीर लिया था और इसको अच्छे से इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने मन चाहे पीसेस में इसको कट कर सकते हैं, आप इसको लंबे पीसेस में भी काट सकते हैं। और इस तरह से पनीर को डालने के बाद हमें बस हल्का सा सॉटे करना है पनीर को, और सॉटे करने के बाद इसमें हमने ग्रेवी को डाल देना है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये ग्रेवी देखने में लग रही है, और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। और देखिए अच्छे से इसको हमने कुक करना है अभी 15 से 20 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, और थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीनी डालने से क्या होता है कि जो टेस्ट है एकदम बैलेंस हो जाता है ग्रेवी का। और देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और 2 बड़े चम्मच मैंने घर की मलाई ली थी और उसको अच्छे से फेंट कर इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए क्योंकि हम पनीर मक्खनी बना रहे हैं तो इसमें मक्खन आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, जितना आप मक्खन डालते जाएंगे उतना ही टेस्ट इसका और भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बटर मैं ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी, और देखिए बिल्कुल रेडी है ये पनीर मक्खनी सर्व करने के लिए। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा। और देखिए इस तरह से गर्म गर्म इसको सर्व करेंगे आप इसे पराठे के साथ, लच्छा पराठे के साथ, या प्लेन रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी है ये। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में,
थैंक यू।